वास्तव में प्रदेश अध्यक्ष हम बने उसकी पहली सूचना तो हमें अध्यक्ष जी ही हमें दिया। ये बात अलग है, हम उस दिन गिरिडीह में ही थे, गिरिडीह के कई एक लोग हम लोग मजाक भी कर रहे थे, लेकिन तो मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से पिछले 3.5 वर्षों से हम सब लोगों ने पार्टी के लिए दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जो काम किया और काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। अभी कर्मवीर जी ने जैसे बताया कि भाई 20,000 से अधिक बूथों पर हम सब बूथ कमिटी भी बनाए, लेकिन जो शेष भी बचे वो सब हम सब लोग मिल करके यहाँ 29,000 की जो बूथ है उसको हम सब लोग पूरा करेंगे, क्योंकि चुनाव में असली लड़ाई पोलिंग बूथों पर होती है। बूथ हम जीते तो हम झारखंड भी जीतेंगे, दिल्ली भी हम जीतेंगे, बूथ हम जीते तो लोकसभा भी हम जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे और संपूर्ण झारखंड भी हम सब लोग जीतेंगे। और इसलिए मैं तमाम कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि जो उन्होंने अभी संगठन मंत्री जी ने, कर्मवीर जी ने जो बताया, जो बचा हुआ है उस काम को हम सब लोगों को पूरा करना है। और आज साहब सब लोग यहाँ आए हैं, कल का भी एक कार्यक्रम है, वास्तव में केंद्र से कल हमें व्हाट्सएप में सूचना मिला कि कल विधायक हो चाहे सांसद हो या विधायक हो, अपने अपने क्षेत्रों में ये जो टिफिन के साथ मीटिंग का जो प्रोग्राम है उसको आप सब लोग करेंगे। तो हम समझते हैं कि आप सब लोग यहाँ आए हैं, जो भी विधायक यहाँ आए हैं अपने डेरा में अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके, और कल निश्चित रूप से सभी जगहों पर सभी स्थानों पर जहां विधायक होते हैं तो हमें लगता है एक दो मंडलों में तो या प्रखंड स्तर पर आप रचना कर लेंगे तय करके, तो एक दिन में दो एक कार्यक्रम तो आराम से आप मीटिंग के कर सकते हैं, और जैसे आपको संगठन मंत्री जी ने निर्देश दिया है उस प्रकार से आप उस काम को आप पूरा करेंगे। और इसलिए मुझे लगा कि आप सब लोगों का सहयोग और काम में इसी प्रकार से, फिर मैं विशेष तो ये कहूंगा कि आज वास्तव में ये जो महीना है, क्या कहते हैं, ये सावन का महीना है, और सावन के महीना बड़ा सुहावना होता है। इसके बारे में बहुत सारे गीत संगीत भी लोग गाते रहे हमारे पुरखे लोगों ने, लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि देव आदिदेव महादेव जी का यह महीना है पूरा। अब सावन को इसलिए भी इतना प्यारा महीना इसको लोग कहते हैं इसके कि सारे किसान किस प्रकार से प्रफुल्लित होते हैं, जो कि मौसम है खेती बाड़ी का, और जितना भी कल्चर होता है दुनिया में जो विकसित किया है उस कल्चर के मूल में एग्रीकल्चर ही है, यानी ये जो खेती बाड़ी जिसको कहते हैं उसी का मंश है, उसी का ये मंथ है। तो ये आप समझ सकते हो इसमें जो जितना किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और फिर उससे जो उत्पादन होता है, तो उसमें मनुष्य ही नहीं बल्कि चराचर में जितना भी जीव जगत है सबका पोषण भी इसी से होता है। तो मैंने कहा कि ये जिस दिन ये घोषणा हुई हमारी 4 तारीख की अध्यक्ष की, शायद उस दिन सावन का ये पहला दिन था, तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य भी है, और हमने कहा कि वो देव आदिदेव महादेव जी का भी दिन है, क्योंकि महादेव ही धरती में एक ऐसा पूज्य देवता है, भगवान है जिसको सबों ने पूजा है, चाहे देव हो या दानव हो, तो सबने उनको आदर से सम्मान के साथ सबने पूजा किया है। तो मैं हम आप सब लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि देव आदिदेव महादेव का दिन है तो हम सब लोग भी इस संगठन में जोड़ने के लिए, किसी को हम लोग ये छोड़े नहीं, समाज के जितनी वर्ग है हो सके हमसे थोड़ा सा दूरी रहते हो कई कारण हो सकता है, लेकिन हम उनसे भी संपर्क करना हम नहीं छोड़े, ये जो संपर्क अभियान में उन सब लोगों से भी मिल करके पार्टी की जो नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों की जो उपलब्धि है उनको, उन उपलब्धि को उनके यहाँ तक भी हम सब लोग पहुंचाए। उपलब्धि तो वहां तक पहुंचा हुआ है, उसको हमें पहुंचाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन उपलब्धि के बारे में उनको याद कराने की जरूरत है, उनको एक बोध कराने की जरूरत है, क्योंकि इसमें हम सब लोग कोई कंजूसी नहीं करें। भले ये जो महाअभियान 10 तारीख तक हम लोग बढ़ाए थे वो समाप्त हो गया,
लेकिन ये जो अभियान है जनसंपर्क का, घर घर लोगों से संपर्क का ये अभियान, तो ये बिल्कुल समाप्त नहीं होना चाहिए। ये अभियान तो तब तक चलेगी जब तक हम सब लोग फिर से 2024 में देश में नरेंद्र मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री नहीं बना लेते हैं, तब तक ये अभियान विराम नहीं होगा, ये अभियान चलता रहेगा। और मैं कहूंगा कि 4 जुलाई का दिन आप सबको ध्यान में होगा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है उस दिन, ये जयंती करे पुण्य तिथि है उस दिन। अब स्वामी विवेकानंद ने क्या घोषणा किया था आप सबको पता है, उन्होंने तो सब कहा था कि भाई हमें अगर उनका सीधा एक तो कहते हैं सनातन संस्कृति से दुनिया को उन्होंने परिचित कराया था, ये स्वामी विवेकानंद क्या, और उन्होंने जो कहा था कि भाई उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तो ये वास्तव में वो देशवासियों के लिए तो कहा ही कहा था लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ये सबसे क्या कहते हैं कि एक ऐसा मंत्र है, हम सब लोगों के लिए एक मंत्र है, ध्येय वाणी है, इसको वाक्य कह सकते हैं और इसको हृदय में बिल्कुल कंठस्थ करना कि भाई और ये काम हमें तब तक करना है जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। लक्ष्य की हम सबको पता है 2024 का लक्ष्य प्राप्त है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 का भी जो लक्ष्य उन्होंने निर्गत क्या कहते हैं रख दिया है सामने कि हमें विकसित भारत बनाने का, तो विकसित भारत बनाने का भी सपना तभी साकार होगा जब भारत में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, ये तभी ये संभव हो सकता है। और इसलिए हमने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति तक स्वामी विवेकानंद जी का ये जो उद्घोष है उसको हमें याद रखना है, उसको हमें बनाए रखना, इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं। और फिर मैं कहूंगा कि अभी हम सब लोग झारखंड प्रदेश में जिनकी सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उस सरकार के सहपाठी आप सब जान रहे हैं कौन है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, और जिस प्रकार से आज देश में जिन लोगों ने लूटा उन सारे लोगों का जैसे एक जमावड़ा हो रहा है, लुटेरों का मान ले डकैतों का कोई गठबंधन हो रहा है, तो हम सब लोगों के सामने बड़ी चैलेंज है। और उस संघर्ष के लिए अपने कार्यकर्ता को बिल्कुल आप तैयार होना पड़ेगा। आप सबने देखा बंगाल में अभी जो चुनाव हुआ क्या हुआ घटना, जो लोग उन लोगों ने जो रोज कहते हैं पूरा देश नहीं छोड़ दीजिए दुनिया में घूम घूम करके कहते कभी लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या तो वास्तव में आज जो लोग एक साथ मिल करके बैठ रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। आज बंगाल में चुनाव हुआ पंचायत की, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड इस विषम परिस्थिति में जीत हासिल किया है, वहां के मैं उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो लोगों की उस चुनाव के समय मृत्यु हुई उनके प्रति भी मैं संवेदना प्रकट करता हूं, उनके परिवार में क्या गुजरा होगा आप समझ सकते हो। लेकिन आप जानते हो जहां बंगाल में जब भी चुनाव हुआ तभी वहां हिंसा हुई है, कोई भी एक चुनाव ऐसा नहीं है, लेकिन आज वो सारे लोग मिल बैठ करके उसकी कोई भर्त्सना तक नहीं करते। आपने देखा 2 दिन पहले बिहार में क्या हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से कहीं कोई लाठी डंडा नहीं था, आज तो आप देखते होंगे जुलूस कैसे निकलता है सब टीवी में दिखाई पड़ता है, ना कोई पत्थर चला रहा था ना कोई लाठी चला रहा था, और जिस प्रकार से लाठी चार्ज हुआ और उसके बाद अपने भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री की मौत हुई है, मृत्यु हुई है, मार दिया गया समझ। मैं इसलिए इस बात को यहां उल्लेख कर रहा हूं, झारखंड में भी जो सरकार है जो सत्ता है ये कोई भीन नहीं है, और इसलिए हम सब लोगों को बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा संघर्ष करने के लिए। आपने देखा पिछले दिनों क्या हुआ, 3-4 दिनों की घटना हम लोग बाहर थे उसी समय देखे, चाहे गढ़वा की घटना हो, चाहे वो धनबाद की घटना हो, चाहे टुंडी की घटना हो, यानी घटनाओं का अगर आप फेहरिस्त देखेंगे तो
वो लंबी फेरिस्त थे। यानी किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ, कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूं, आप चुप रहने का समय नहीं है। अब ये नहीं सोचे कि प्रदेश से हमें आदेश मिलेगा तभी हम कुछ करेंगे। जिला के अध्यक्ष है, जिला में अपने विधायक है, सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, आप अपने स्तर से भी बात करके उन स्थानों पर जाना, उसके परिवारों से मिलना, और जरूरत पड़े तो हत्यारों की गिरफ्तारी हो उसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना, उसके लिए आप इसकी प्रतीक्षा मत करो। बाकी अगर कुछ हो जाएगा गलत तो हम लोग देख लेंगे प्रदेश में कि क्या हुआ है, लेकिन इसकी आप प्रतीक्षा करेंगे कि बाबूलाल मांडी और संगठन मंत्री देंगे आदेश, तब तक शायद पीछे हो जाएगा। आजकल युग क्या है, 5G का युग है। हम लोग किसी जमाने में 2G या 3G भी नहीं था, उस समय की संगठन की बात कर रहे थे अध्यक्ष दीपक जी, तो उस समय तो सूचना भी विलंब से पहुंचता था। आज तो आपको पता हो ना हो दिल्ली को पता चल जाता है, यानी मीडिया के क्या कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप भी थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल जागरूक रहे, जगे हुए रहे, ताकि कहीं भी कोई समस्या हो तो ऐसा नहीं कुछ के प्रति जाके भाई अब प्रदेश कहेगा तभी हम जाएंगे, बल्कि प्रदेश को आप सूचना करें कि यहां ऐसा ऐसा घटना हुआ है, हम सब लोग जा रहे हैं। तो ये करना चाहिए, और जिस दिन हम सब लोग ये काम करेंगे, जो कि आज इस राज्य की जनता को पूरा विश्वास है, भरोसा है भारतीय जनता पार्टी से, बाकी लोगों से भरोसा को लोगों ने तोड़ चुका है। इसलिए मैंने आप सबको इतनी बातें बताया, अपने सब लोगों से मैंने ये निवेदन किया, और उसके साथ साथ जो कि संघर्ष भी करना, इस सरकार से जो लोगों की उम्मीदें थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई लोगों की, लेकिन उस उम्मीद समाप्त होने मात्र से नहीं होगा, लोगों को बीजेपी के प्रति भी विश्वास हो, बीजेपी के प्रति भी भरोसा हो। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि जो ये जो संपर्क अभियान हमारा है वो तो चले ही चले, और उसके साथ साथ हम सब लोग जो अपने स्तर पर क्षेत्र में भी जो कार्यक्रम करें, तो भारतीय जनता पार्टी के जो उपलब्धि है, 9 साल का भी उपलब्धि है, और आज गठन से लेकर के आज तक जो उपलब्धि है, उन उपलब्धियों को भी हमें बार बार दोहराना पड़ेगा डंकी के चोट में। मैं लोगों से कहता हूं कि हमारे आदिवासी भाई बहनों के बीच में जब आप जाएंगे तो आप उनको देखते हैं कि बहुत से लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग उनगान करते, लेकिन हम ये भी नहीं बता पाते भाई आखिर आज इस राज्य को किसने सम्मान दिया, किस कौन पार्टी ने अलग झारखंड भी बनाया, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, वर्षों पुराने जो मांग थी, यानी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखा और उसको अलग झारखंड राज्य बनाया। आज देश के क्या कहते हैं देश में जो राष्ट्रपति है वो भी ट्राइबल महिला है, किसने सम्मान दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। देश के अंदर में आज मोदी जी के कैबिनेट में 8-8 मंत्री है, आदिवासी मंत्री भाई बहने हैं, ये पहली दफा अवसर मिला है, तो ये भी किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना तो आदिवासी के लिए अलग से मंत्रालय भी बनाया। मैंने इसलिए इस बात का सिर्फ उल्लेख करो, आप सब जानते, लेकिन जब हम क्षेत्रों में जाते हैं, क्षेत्र अलग अलग प्रकार के बसा हुआ है, तो हम गांव की ओर जाएं तो इन बातों को हमें प्रमुखता से उनके बीच में कहना, जो लोग आज सत्ता में बैठे वो लोगों ने क्या कर रहा था वो भी आप प्रमुखता से उनको बताएंगे, तो उनके दिल में इस बात का लगेगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हितों की बात करते, गांव की, गरीब की, किसानों की, जो विकास की। आपके साथ बहुत सारे उदाहरण है, इसलिए हमने कहा कि गांव में हम जाए तो उनको ये जो भी योजना है उसको हम ढंग से उसके पास परोसने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से लोग आपकी ओर आए। मैं लोगों से कहता हूं, हम सब लोग जाते हैं ना होटल वगैरह में कभी कभी खाने के लिए, तो आप देखते होंगे वही सलाद है, लेकिन बड़ा बढ़िया वो लोग परोस के ला करके देते हैं, देते हैं कि नहीं देते, तो देख करके बड़ा आनंद लगता है, खाने का मन भी नहीं होता है, तब भी एक भाग उठा करके खा लेंगे, खाते हैं कि नहीं खाते हैं?
फिर आप देखते होंगे एक आलू ही है, उस आलू को कितना प्रकार से आप बना करके खाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है विषय एक ही है, लेकिन हमें वो किस प्रकार से वो खाना पसंद करता है वो हमें समझना जरूरी है। अगर वो आलू का टिक्की पसंद करता है तो टिक्की बना करके खिला दो, आलू का भुजिया पसंद करता है तो भुजिया बना के खिलाओ, चोखा पसंद करता है चोखा बना के खिलाओ, और सब्जी पसंद करता है सब्जी बना के खिलाओ, और सब लोग आप लोग बना सकते हैं, मैंने आप सबको ही बताया। तो कहने का मेरा अर्थ इतना ही था कि भाई हमारी 9 वर्षों की उपलब्धियां, 9 वर्षों की नहीं बीजेपी की उपलब्धि गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, समस्त जनता के लिए जो बीजेपी ने काम किए, हम उसको किस ढंग से परोसने का काम करते यह भी बड़ा महत्व रखता है, माने रखता है। तो इसलिए मैं कार्यकर्ता बंधुओं से मैं इतना बात जरूर कह रहा हूं कि आपको इस बात का ध्यान रखिए, और इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि निश्चित रूप से जनता में एक नए जोश नए उमंग आएगी। वही चीज उनको खिला करके देखोगे, बोला अरे यार ऐसा तो हम कभी खा के नहीं देखे थे, आलू भी ऐसा लगता है खाने में। तो कहने का अर्थ है कि आप बनाने का परोसने का ये सब जो तरीका हमको सीखना पड़ेगा थोड़ा, और ये सब चीज हम सब लोग सीखेंगे तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि ये जो हम सब का जो लक्ष्य है वो विजय को हम सब लोग प्राप्त करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं जनमन न्यूज 76।